अच्छा कुछ शिष्य भी बड़े अजीब होते हैं। हाँ, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हाँ आपके पिताजी कल रात में हमारे सपने में आए थे। अब देखो शिष्य, तो गुरुजी ने कहा क्या कह रहे थे? वो आपके पिताजी हमारे सपने में आए और वो कह रहे थे कि हमारा बेटा तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाता है तो तुम जाओ और हमारे बेटे से कह दो तो वो तुम्हारे नंबर बढ़ा देगा। टीचर ने सोचा ये चेला तो बड़ा होशियार सीधे पिताजी तक पहुंचा है, तो अब गुरुजी पिताजी ने कहा है तो आपको तो मानना पड़ेगा। गुरुजी ने सोचा ये चेला नहीं गुरु ही मिला है हमें। गुरुजी ने कहा कल बताएंगे, ठीक है। अगला दिन हुआ, गुरुजी आए और चेला तो इंतजार में, जी गुरुजी क्या हुई आपकी बात? हाँ हाँ बात हुई, कल रात में हमारे भी सपने में हमारे पिताजी आए थे। अच्छा क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि उस मूर्ख का एक भी नंबर ना बढ़ाना, वो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता, एक भी नंबर मत बढ़ाना। तो अब पिताजी की बात भला हम कैसे टालेंगे? चेला बोला अब कोई बात नहीं गुरुजी, आप अपने पिताजी की नहीं टाल सकते हो, लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ गई, क्या? आपके पिताजी भी दो कौड़ी के लगे, क्यों? हमसे कुछ कहते आपसे कुछ कहते? प्रेम से बोलो जय सियाराम, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ ऐसा शिष्य मिले तो गुरुजी कहां जाए, तो गुरुजी को भी जगह ना मिले। हाँ अच्छा, आजकल के शिष्य भी बड़े अजीब, विद्यालयों में अगर टीचर कुछ पढ़ाई के विषय को लेकर के बच्चों को डांट दे फटकार दे तो बच्चे तुरंत आंग दिखाते हैं, हमें डांटा हाँ चलो पुलिया पे मिलना फिर बताएं तुम्हें। प्रेम से बोलो जय सियाराम। अब गुरुजी इस वजह से नहीं डांटते कि बच्चे बाद में मारेंगे, कहीं साइकिल की हवा निकाल देंगे, कहीं टायर पंचर करवा देंगे, कहां जाए आजकल, इसीलिए डरते गुरुदेव। देखो मुख्य समस्या यही है हम सबकी, आज यदि कोई हमको गुरु नहीं मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे शिष्यत्व में कमी आ चुकी है। हम या तो गुरु को खोज नहीं पा रहे हैं, और यदि गुरु को खोज पा रहे हैं तो हम उन गुरु के अनुसार उनके शिष्य नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले, और प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।